नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। और जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है ट्राइंगल पार्ट सेकेंड। तो क्या होता है ट्राइंगल, कितने तरह के होते हैं, ये आपको बताया जाएगा आज के इस सेशन में। और पार्ट सेकेंड है, पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बच्चों, अगर आपको वो सेशन देखना है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एनसीईआरटी ऑफिशियल। आप जाएंगे, आप ई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने आज की विशेषज्ञ से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप हैं मिस सविता ग्राहक, आप टीचर हैं आवासीय गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रेणु जी, धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, और मैम, इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, लेट मी शेयर सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू ऑल आवर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, इन केस दे हैव एनी क्वेरी और जानना चाहते हैं ट्रायंगल्स के बारे में कुछ, तो आप अपनी सभी क्वेरीज डाउट्स हमारे एक्सपर्ट के साथ जरूर शेयर करें। बच्चों, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800440559, या फिर आप हमें करेंगे ईमेल, हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे हैं, यानी कि NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पे हैं, तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इन तमाम माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी क्वेरीज के साथ, और हम आशा करते हैं कि आप अपनी क्वेरीज के साथ हमसे जरूर जुड़ेंगे। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, लेट मी शेयर वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20's Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly start this session. Ma'am, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे triangles के बारे में। ये part second है और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस session की शुरुआत की जाए part first के छोटे से brief intro के साथ। ma'am। जी बिल्कुल रेणु जी, जैसा कि आपने कहा कि हम discuss करते हैं कि क्या हमने discuss किया था part one of triangles में। ट्राइंगल्स पार्ट वन में हमारे स्टूडेंट्स ने बेसिकली जो उन्होंने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय स्केल एंड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विच आर राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को, अगर आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं, उन्हें हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी हमने डिस्कस किया, लेट अस डिस्कस हियर अगेन। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपके पास डियर व्यूअर्स दो ट्राइंगल्स हैं, लेट अस से दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस वन इज दिस सेकेंड ट्राइंगल। अगर इन दोनों ही ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में आपके पास ए बी साइड इक्वल्स टू पी क्यू साइड है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर साइड है एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर साइड है, तो इन दैट केस वी विल से दैट बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में इट इज अ मस्ट कि साइड्स का इक्वल होना या ना होना जरूरी नहीं है, बट साइड्स का रेशियो, दैट मीन्स ए बी रेशियो विद पी क्यू, बी सी साइड का रेशियो अगर आप लेते हैं विद साइड क्यू आर, एंड रेशियो ऑफ द साइड ए सी एंड पी आर ऑफ बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स, इन दैट केस यू विल से दैट येस द रेशियोज ऑफ ऑल द साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर यू विल से दैट येस ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR। एक चीज का हम ध्यान देंगे कि similarity और congruency, इन दोनों ही चीजों में जो symbol है, that is totally different। I shouldn't say totally different, but that is different। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि congruency के केस में both of the things, both of the triangles में sign of equality is there
and this sign is representing that the shape of both of the triangles are same. यानी अगर साइज एंड शेप दोनों चीजें इक्वल हैं, तब हम बोलते हैं कि हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर हमारे पास साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी कि शेप तो एक जैसी है दोनों ट्राइंगल्स की, लेकिन साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, यानी कि साइजेस इक्वल होना जरूरी नहीं है, इन दैट केस वी विल से दैट यस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, व्हाट वाज दैट, दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इन दैट केस डेफिनेटली दोज टू ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स का शेप और साइज एक जैसा है, इसका मतलब उनका शेप तो एक जैसा है ही, यानी कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी। लेकिन अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनका कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अ मस्ट। इसके साथ ही साथ हमने डिस्कस किया सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इन जनरल सिमिलैरिटी क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हम कोई भी एक एलिफेंट का चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक एलिफेंट या फिर कोई और बर्ड, कोई भी एनिमल या कोई भी बिल्डिंग हमने कुतुब मीनार रियल में बेशक ना देखा हो, हम दिल्ली आज तक बेशक ना गए हों, लेकिन अगर हमने कुतुब मीनार की इमेजेस अपनी बुक्स में देखी हैं, तो हम कुतुब मीनार को फर्स्ट टाइम देखकर भी पहचान जाते हैं कि यस दिस इज द सेम बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द पिक्चर ऑफ दैट बिल्डिंग एंड दैट बिल्डिंग इन एक्चुअल, दोनों का जो शेप है वो एक जैसा है, साइजेस मे डिफर इन केस ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के केस को डिस्कस करने के बाद और डेप्थ में ट्राइंगल्स के लिए सिमिलैरिटी क्या है, बेसिकली साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, बट एंगल्स विल बी इक्वल फॉर बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स। हम जिन भी ट्राइंगल्स को बात करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स ही सिमिलर हैं, तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के केस में एंगल्स विल बी इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल, दैट मीन्स द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। After that we have discussed कि किस तरह से हम BPT यानी कि basic proportionality theorem को prove कर सकते हैं, या फिर BPT का दूसरा नाम क्या है, that is Thales theorem और BPT Thales theorem, और इसको हम basic proportionality theorem भी बोल सकते हैं। इसे हम Thales theorem इसलिए बोलते हैं क्योंकि this theorem was given by the great mathematician Thales। चलिए आज हम discuss करेंगे what is the converse of BPT। बच्चों आप हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 एबी एंड एसी। तो अगर हम पी को क्यू से ज्वाइन करते हैं, तो जो भी लाइन बनती है, यानी कि दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो भी लाइन सेगमेंट या लाइन हमें अवेलेबल होगी, दैट लाइन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी पैरेलल टू बीसी, एंड द लाइन सेगमेंट पी क्यू दैट विल बी हाफ ऑफ बीसी, that is parallel to the third side of the triangle and also half of the third side। तो अब हम further discuss करते हुए आगे proceed करते हैं converse of the same theorem। हमारे viewers जैसा कि आप जानते ही हैं कि converse का मतलब है कि इस पर जो proof करना था वो आपको given है, और जो आपको given था वो हमें proof करना है। So let us see the same thing। What is given to us? एक बार highlight करते हुए let us observe this। That if you have been given that a line, अभी यहाँ पर जो लिखा है, let us observe that carefully, divides any two sides of a triangle in the same ratio। यानी कि आपको given क्या है, the given thing is AD divided by BD equals AE divided by EC। Let us discuss the Thales theorem again, कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक लाइन हम पैरेलल टू द थर्ड साइड ड्रॉ करते हैं, लेट दिस लाइन बी गिवन बाय DE, इन दैट केस AD divided by BD will always be equals to AE divided by EC। सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, अगर मिड पॉइंट से पास करती है, तो हमने देखा कि दैट विल बी DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC।
लेकिन अगर आपको पैरेलल लाइन गिवन है तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इन दैट केस डेफिनेटली द रेशियो ऑफ दीज साइड्स, दैट मीन्स ए डी रेशियो बी डी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए ई रेशियो सी ई. और अगर इसी के कन्वर्स की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिखा है दैट इट इज गिवन टू अस that both of these ratios are equal to each other, and what we have to prove, we need to prove that definitely this line will be parallel to the third side of the triangle. Yani two proof hamare paas hai that DE is parallel to the third फॉर प्रूविंग द सेम हम मान लेते हैं कि ये लाइन पैरेलल नहीं है. और अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर होगी जो एक पॉइंट से पास कर रही होगी. लेट मी थिंक द डी से पास कर रही है एक लाइन, और वो डी ई ना होकर कोई भी और लाइन है, कोई भी और लाइन सेगमेंट हम बोल सकते हैं. तो लेट मी टेक द डी एफ इज दैट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट विच इज पैरेलल टू द साइड बी सी. एक बार ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि हमें प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी है. थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि डी ई वो लाइन नहीं है जो पैरेलल है, तो कोई ना कोई लाइन ऐसी जरूर होगी जो डी से पास कर रही है और बी सी के पैरेलल है. तो वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड और वी कैन से दैट लेट अस टेक अ लाइन डी एफ विच इज पैरेलल टू बी सी. डियर व्यूअर्स, यहाँ हम थेल्स थ्योरम का या बीपीटी थ्योरम का जो अप्लीकेशन पार्ट है वो अप्लाई करेंगे. व्हाट दैट इज, नाउ वी हैव सपोज्ड कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी. अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है, देयरफॉर बाय बीपीटी, बीपीटी में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है इन अ ट्राइंगल, देन दैट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. तो हम चेक करते हैं क्या ये रेशियो, अगर डी एफ को हमने बी सी के पैरेलल बोला है तो ये जो रेशियो है डी एफ लाइन सेगमेंट के कारण ए डी रेशियो बी डी दैट इज इक्वल टू ए एफ रेशियो एफ सी. लेट अस थिंक दिस इक्वेशन टू बी द फर्स्ट. तो हमने क्या किया, कन्वर्स प्रूव करने के लिए यहां पर बीपीटी थ्योरम को अप्लाई किया है. जैसे ही आपने बीपीटी अप्लाई किया, इमीडिएट हमें एक चीज दिखाई देती है कि जो गिवन पार्ट था हमारा दैट इज दिस. सो लेट अस टेक दिस दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड बिकॉज इट इज गिवन टू अस. तो ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है. दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के कारण मुझे दिखाई दे रहा है इन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस ए डी अपॉन बी डी इज द लेफ्ट पार्ट. तो हमारे पास राइट पार्ट जो है दैट इज ए एफ अपॉन एफ सी दैट विल बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी. अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो एक बार हम हाईलाइट करते हुए अपनी फिगर में ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ए एफ अपॉन एफ सी दैट इज ए एफ डिवाइडेड बाय दिस पार्ट एफ सी एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉट, this is equals to AE divided by EC. In the same line segment, दो अलग अलग points लेते हुए दो अलग अलग ratios कभी भी equal नहीं हो सकते. लेकिन हमारे पास यहाँ पर clear दिखाई दे रहे कि yes, दो ratios equal हैं. तो what will we say? We will just write that this is possible only if, ये सिर्फ और सिर्फ तभी possible होगा अगर हमारा F पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करेगा विद पॉइंट E. यानी कि F और E पॉइंट जो है ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स है ही नहीं, F पॉइंट को E पॉइंट वाले प्लेस पर ही होना पड़ेगा. सिर्फ तभी कन्वर्स ऑफ VPT जो है वो ट्रू हो सकता है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव कि जब भी हमारे पास कोई लाइन आपकी दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इन दैट केस दैट लाइन विल डेफिनेटली बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो हमने लिखा दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एफ कोइंसाइड्स ई, और अगर एफ ई को कोइंसाइड कर जाएगा यानी कि एफ और ई एक ही पॉइंट को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस सिंपली मीन दैट डी ई इज द ओनली लाइन विच इज पैरेलल टू बी सी.
ऑलराइट, दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो अभी हमने बीपीटी के बारे में जाना, बीपीटी का कन्वर्स जाना. नाउ वी विल ब्रेक टू क्वेश्चंस एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी. हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डीई जो लाइन है वो बीसी के बिल्कुल पैरेलल है. सच दैट हमें ये भी गिवन है कि ए डी का जो लेंथ है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. The length AE it is 3.2 centimeter and the length EC that is given to be 4.8 centimeter. और हमें calculate करनी है the length of the side AB. तो AB की length को calculate करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि AD is given to us, BD हमारे पास नहीं है, BD को हम assume कर लेते हैं X centimeter. और अगर हमारे पास BD की लेंथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली AB जो है AB इक्वल्स टू, यू कैन इजीली राइट दैट दैट इज इक्वल्स टू AD प्लस BD दैट इज इक्वल्स टू 2.4 प्लस X. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट प्रोसीडिंग अहेड. वी हैव बीन गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC. देयरफॉर यहां पर कौन सी थ्योरम हम अप्लाई कर पा रहे हैं, BPT अप्लाई कर पा रहे हैं. एंड बाय BPT AD divided by BD equals to AE divided by EC, which is providing us 2.4 upon X equals 3.2 divided by 4.8. सारी values जो भी हमें given थी हमने वो सभी values यहाँ put की हैं. AD की value आपने put की, AE की value आपने put की, EC की value आपने put की, और ये सभी values put करने पर हमारे पास इस particular equation को solve करने पर X की value को calculate करना इजी हो जाएगा. जैसे ही हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वी विल पुट दैट वैल्यू हियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट द क्वेश्चन इज, अगेन वी हैव बीन गिवन दैट इन दिस गिवन ट्रायंगल DE एंड BC बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. सो आई हैव बीन गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम इजीली बोल सकते हैं दैट बाय बीपीटी द रेशियो एडी विद बीडी एंड एई विद ईसी आर इक्वल. सो व्हाट आर एडी इज, एडी इज बेसिकली 4x-3, एई हमें गिवन है 8x-7, बीडी इज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड दैट इज 3x-1. फर्दर ईसी भी हमें गिवन है दैट इज 5x-3. इन सब वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं सो वी आर गेटिंग, यस व्हाट पीडी इज, इट इज 3x-1 इक्वल्स एई विच इज 8x-7 एंड डिवाइडेड बाय 5x-3. ऑल दिस रेशियोज आर इक्वल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हमारे व्यूअर्स बहुत इजीली यहां से एक वैल्यू निकाल पा रहे हैं विच इज 4x-3 इंटू 5x-3 इक्वल्स 8x-7 इंटू 3x-1, यानी कि 20x² ऑन मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग इक्वल्स 24x² माइनस 8 and 21 विच इज माइनस 29x+7. ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हमें जो कैलकुलेट करना था दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहां से हम x की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं. अभी हमने दो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए बेस्ड ऑन द टॉपिक बीपीटी. दोनों ही क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पार्ट था, हमें वैल्यू निकालनी थी. अभी थोड़ा सा थ्योरम की जैसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. नाउ लेट अस सी दिस, व्हाट इज गिवन हियर इन ट्रायंगल एबीसी. सो आवर मेन फोकस विल बी ऑन द ट्रायंगल एबीसी. दिस इज द गिवन ट्रायंगल. We again have highlighted the same triangle ABC. In this triangle, हमारे पास DE is parallel to BC already given है. तो DE, let us highlight the same side. This is DE and this is parallel to AC. So dear viewers, अभी हम DF and AE इन दोनों line segments को नहीं देखेंगे. हमारा main जो focus है वो क्या रहेगा, that it is given to us that DE is parallel to AC. So we will write
Because BE and AC both are parallel, therefore by BPT, this ratio, that is BD upon AD, that is equals to BE divided by EC. Let us consider it to be our equation number 1, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो ये नहीं है, हमें प्रूफ कुछ अलग करना है. हमें प्रूफ करना है that BE divided by FE. So this is your BE, this is your FE. So वो कुछ अलग है जो हमें प्रूफ करना है. So let us try to reach up to there. BF upon FE, it is BF upon FE equals to BE divided by EC. तो दूसरा जो पार्ट गिवन है उसे एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट गिवन थिंग इज हियर, दिस इज DF इज पैरेलल टू AE. सो दिस इज आवर DF, लेट अस हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. द DF, यस दिस इज आवर DF एंड DF इज पैरेलल टू AE. दिस इज गिवन टू अस. तो बेसिकली हमें अभी जो ट्राइंगल ऑब्जर्व करनी है दैट इज ट्राइंगल ए बी ई. ए बी ई ट्राइंगल में डी एफ ए ई के बिल्कुल पैरेलल है और इन दोनों के पैरेलल होने के कारण हम अगेन बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं एंड बाय बीपीटी वी आर गेटिंग दैट यस बी डी डिवाइडेड बाय ए डी. Again, the sides are divided in the same ratio, equals BF divided by FE. Let this be equation number 2. तो अगर आप अभी observe करते हैं equation number 1 and equation number 2 को, तो इन दोनों ही equations का left part, that which is BD divided by AD, BD divided by AD, left parts equal हैं. So since there are two things, that is BE upon EC and BF upon FE, there are two things which are equal to the same thing. So you can easily say yes, both of these things are equal to each other. यानी आप simply बोल सकते हैं from equation number 1 and 2, we can say that BE divided by EC equals BF divided by FE. And this is the same thing जो हमें प्रूव करना था. जस्ट एंड ओनली लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट और राइट साइड को हमने लेफ्ट साइड पर लिखा है, नथिंग एल्स देन दैट. हम ए इक्वल्स टू बी या बी इक्वल्स टू ए लिखेंगे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. बोथ ऑफ द थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर. ऑलराइट, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है. मैम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमें पता है कि कैसी शेप को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं. मैम एम आई ऑडिबल? ऐसी शेप, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होता है. तो एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू बी सी विच इज गिवन टू अस एंड ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स. विच आर द नॉन पैरेलल साइड्स हियर? दिस ए बी and this is not parallel to the side BC. These are the non-parallel sides such that ये दोनों points E and F इन दोनों sides पर इस तरह से दिए गए हैं that EF is parallel to AB. That means this EF is parallel to AB. और अगर वो AB parallel है, मैम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास 3 मिनट का समय और बचा है मैम. जी बिल्कुल रेनू जी, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ और इसके बाद मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें और हमारे साथ शेयर करें. जी, सो लेट अस प्रोसीड विद द सेम क्वेश्चन. हमें जो प्रूव करना है व्हाट दैट इज ए ई अपॉन ई डी. तो रेनू जी व्हाट बेसिकली इन दिस क्वेश्चन इज, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे ट्राइंगल से रिलेटेड हम प्रूव कर रहे थे, वेरियस जो भी कॉन्सेप्ट हमारे व्यूअर्स ने प्रूव करने हैं. बट यहाँ पर देर इज अ ट्रेपीजियम एंड ट्रेपीजियम के लिए भी हमें प्रूव करना है अगर ई एंड एफ कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए ई एफ जो है वो पैरेलल गिवन है हमें टू ए बी और हमें ऑलरेडी पता है कि ए बी एंड डी सी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. सो इन इवन इन दिस केस वी नीड टू प्रूव के जो रेशियो है दैट इज ए ई और ED का रेशियो BE, BF और FC, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इक्वल.
ये हमें प्रूव करना है, तो लेट अस ट्राई सॉल्विंग द सेम। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट अस गो फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट, एंड व्हाट दैट कंस्ट्रक्शन पार्ट इज, क्योंकि हमें पता है कि बीपीटी जो है हमने सीखा है ट्राइंगल के केस में अप्लाई करना, सो हम यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ए को पॉइंट सी से। जैसे ही हमने पॉइंट ए को पॉइंट सी से ज्वाइन किया, हम यहाँ पर क्लियरली दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज ट्राइंगल इज, वैसे तो मोर देन टू ट्राइंगल्स बन रही हैं, बट हम वो ट्राइंगल्स यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे जिनके लिए बीपीटी का अप्लाई एप्लीकेशन पार्ट पॉसिबल है। सो इन द फर्स्ट ट्राइंगल विच वी हैव हाईलाइटेड हियर, जॉइन ए टू सी, एंड देन इन द ट्राइंगल ए डी सी, क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीट ई एफ जो है वो डी सी के पैरेलल है, सो ई से ओ तक जो लाइन सेगमेंट है दैट विल ऑल्सो बी पैरेलल टू डी सी, और क्योंकि ई ओ एंड डी सी एक दूसरे के पैरेलल है, देयर फोर ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। बिल्कुल इसी तरह से इसे इक्वेशन नंबर वन सपोज करते हुए हम दूसरी ट्राइंगल पिक करते हैं, विच इज ट्राइंगल ए। मैम बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल। सो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी क्लियरली ओ एफ एंड ए बी आर पैरेलल, देयर फोर वी कैन अगेन से दैट यस ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी इक्वल्स डी एफ अपॉन एफ सी। एंड रेनू जी, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन का एक एक पार्ट इक्वल है, दैट्स व्हाई यू कैन सिंपली से दैट यस ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स बी एफ अपॉन एफ सी। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड हियर। आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम टाइपोलॉजी एंड डिस्कस द सॉल्यूशंस विद अस। डेफिनेटली मैम, बट वी आर इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ, हम इस सेशन को आगे नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ी और आपने हमारे 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से ट्राइंगल्स के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और बच्चों, हम आपको बता दें कि अभी हम बात कर रहे थे ट्राइंगल्स पार्ट सेकेंड पर, और इससे पहले कि ये सेशन में यहाँ पे वाइंड अप करूँ, लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल रिगार्डिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifests the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let me wrap up this session here only. But apne sabhi dekhne walon ko hum bata dein ki hamara agla session hai सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आप कहीं मजे रहे हमारे साथ ई विद्या चैनल्स पे। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।